हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ड्राइंग 78। बच्चों, आज की वीडियो हम लोग सीखेंगे खुला हुआ छाता बनाना। देखिए, सबसे पहले एक सीधी रेखा खींच लेते हैं, उसके बाद छाते की चौड़ाई के बराबर एक और रेखा खींचते हैं बिल्कुल इसके लंबवत। इसके बाद देखिए वक्र रेखा खींचते हैं, बिल्कुल इतनी ही तिरछी नीचे की ओर। एक रेखा ज्यादा टेढ़ी करके खींचते हैं, जो गलत रेखाएं बन गई उनको इरेज कर देते हैं, सही रेखाओं को थोड़ा गहरी कर लेते हैं, इस बीच की रेखा को भी इरेज कर देते हैं। अब देखिए इसको कई खंडों में बांटते हैं, बीच के खंड देखिए बड़े दिखाई दे रहे हैं, किनारे वाले छोटे दिखाई देंगे। ऐसे ही बीच का हिस्सा बड़ा दिख रहा है, इसके बगल वाला इससे छोटा, सबसे किनारे जो है सबसे छोटा दिखेगा। इस रेखा को देखिए इरेज कर देंगे। ऊपर की ओर ऐसे प्लेन भी रख सकते हैं। और देखिए सबसे पहले तो इसकी हम तीलियां बना लेते हैं, हल्का सा यहां पर खाली भी कर सकते हैं। ऐसे ही देखिए यहां पर बिल्कुल ऐसे ही यहां पर इन रेखाओं को भी इरेज कर देंगे। इसी प्रकार ये तीलियां बना लेते हैं और सभी तीलियां लगे कि यहां बीच की ओर जा रही हैं। ऐसे ही देखिए थोड़ी थोड़ी तीलियां बाहर की ओर भी निकली हैं। इसके बाद देखिए इस छड़ को हम मोटी करते हैं,
बीच वाली रेखा को इरेज कर देते हैं। यही छड़ देखिए ऊपर निकली हुई है। यहां पर देखिए एक छोटा सा पहिया जैसा बनाते हैं जिससे कि ये सपोर्ट करने वाली तीलियां लगी हुई हैं। इससे देखिए इन सभी तीलियों के बीच से तीलियां जुड़ी हैं। मान लेते हैं ऊपर वाली तीली से एक तीली जुड़ी होगी, इन सभी के बीचों बीच से देखिए तीलियां जुड़ी हुई हैं। इस वाली से जुड़ी है यहां दिखाई दे रही है, इस वाली से जुड़ी है ये थोड़ी सी दिख रही है, ऐसे ही देखिए ये दिख रही है, इसी प्रकार इधर से भी। इसी प्रकार इन दो तीलियों से भी जुड़ी हुई तीलियां यहां पर थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही हैं। नीचे देखिए हैंडल बनाते हैं। इसको गहरा कर लेते हैं। इस प्रकार देखिए बच्चों छाता का चित्र बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें हम छाया प्रकाश दिखाएंगे। देखिए अंदर गहराई में ज्यादा छाया पड़ रही है तो यहां पर काला कर देंगे। जैसे जैसे हम बाहर की ओर आएंगे कालापन कम होगा। देखिए ऊपर की ओर ज्यादा काला क्योंकि वहां पर ज्यादा अंधेरा पड़ रहा है। जैसे जैसे हम बाहर की ओर आ रहे हैं कालापन कम होता जा रहा है। देखिए यहाँ पर तीलियों के पास भी गहरा होता है तो यहाँ पर भी छाया, प्रत्येक तीली के एक और ज्यादा ही छाया दिखाई देगी। देखिए तीली के पास ज्यादा काला, बाहर की ओर कम काला। ऐसे ही देखिए इस क्षण में छाया दिख रही है।
इस प्रकार देखिए बच्चों, छाया प्रकाश युक्त खुले हुए छाते का चित्र बनकर तैयार हो जाता है। आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों में अपने शेयर भी करें। धन्यवाद।